आपके दोस्त अंशुल और स्वागत करती हूँ आपके अपने स्वाद की रसोई में। दोस्तों, इस शो में हम आपको कुछ ना कुछ नया इंटरेस्टिंग बनाना सिखाते हैं। तो इसी कड़ी में हम अपनी कुकिंग एक्सपर्ट के घर पहुँच गए हैं। तो आज क्या कुछ वो हमें नया कुछ बनाकर सिखाने वाली है, आइए जानते हैं उनसे। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं महिमा जी की रसोई में। आइए जानते हैं कि आज क्या कुछ महिमा जी अपने स्वाद के पिटारे से हमें कुछ नया बनाकर सिखाने वाली हैं। तो सबसे पहले महिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी स्वाद की रसोई में। तो आज क्या कुछ आप हमें अपने स्वाद के पिटारे से बनाकर सिखाने वाली हैं, क्योंकि यहाँ अगर इन्ग्रीडियंट्स को मैं देखूँ तो काफी सारे इन्ग्रीडियंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्या बनाने वाली हैं? मैं बनाऊंगी पनीर बटर मसाला जी, अपने स्टाइल में। ओहो, मतलब कुछ ट्विस्ट इसमें दिखने वाला है, इटालियन या नहीं? ये रस्टिक सॉस जैसे होता है ना, रेड वाला जी, उस टाइप का। ओके, तो पनीर बटर मसाला रेड ग्रेवी ठीक है, और उसके साथ में सेसमी लच्छा पराठा। सेसमी लच्छा पराठा, ये थोड़ा सा ना न्यू साउंड कर रहा है। तो मैम जी, बिना देर करे आप फटाफट से एक बार बारीकी सामग्री बता दीजिए। बिल्कुल जी, पनीर बटर मसाला के लिए पनीर लेना है हमें जी, प्याज, टमाटर, अदरक जी, हरी मिर्च जी, लहसुन, काजू जी, कसूरी मेथी, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक जी, और थोड़ा सा खाने का सोडा जी, दूध जी, और बटर, धनिया पत्ती, ये सब ये हम अपने पनीर के लिए। पनीर के लिए बिल्कुल। और लच्छा पराठा के लिए गेहूं का आटा लेना है बिल्कुल, और उसमें थोड़ा सा खाने का सोडा और नमक और सेसमी सीड्स और कसूरी मेथी। ठीक है, तो सामग्री भी हमें पता चल गई है। तो बिना देर किए चलिए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल महिमा जी, ये आप क्या डाल रही हैं? ये हमने प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन जी, इन सबको काफी बॉईल किया जी। और कैसे बॉईल किया, ये एक सीटी देना है और उसके बाद सिम में कम से कम 20 मिनट पकाना है इसको। अच्छा, तो ताकि एक ही सीटी में वो पकता रहे तो उसका जो मेन फ्लेवर है ना जी, वो आएगा। ये जो हम इसकी प्यूरी जैसी बनाए है ना जी, उसको तेल और बटर इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि तेल डालने से उसका जो मेन फ्लेवर है टमाटर का, प्याज का, वो खत्म हो जाता है। अच्छा। इसलिए जब तक ये पूरा अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए तब तक हम इसमें तेल बटर नहीं डालेंगे। और उस चीज से एक चीज और एक फायदा होता है कि हम तेल और बटर बहुत कम यूज करते हैं जी। इसको पकने में थोड़ा समय लगता है इसलिए इसको ढक के ही पकाएं ताकि इसका पूरा मॉइस्चर जो है उसमें बरकरार रहे और ये गाढ़ा हो जाए जी। ये देखिए अंशुल जी, ये हमारा पानी इसका पूरा सूख गया है जी। अब हम इसमें एक चम्मच तेल और एक चम्मच बटर मिलाएंगे। अच्छा, ठीक है ना जी। अब इसको खूब अच्छे से पकाएंगे जी, इसका बढ़िया गोल्डन रेड कलर जो आएगा जी। अच्छा महिमा जी, इसमें आपने तेल और बटर दोनों को साथ में डाला है, ऐसा क्यों? बटर अगर आप अलग से अकेले डालोगे ना तो साइड्स में जल जाता है। अच्छा, और अगर आप तेल के साथ डालेंगे तो फिर वो एकदम अच्छे से पकता है जी। ये देखिए हमारा पनीर बटर मसाला का ग्रेवी तैयार हो गया है जी, पूरा उसने ऑयल छोड़ दिया है जी। अब मार्केट में जो इजीली अवेलेबल पनीर बटर मसाला के पाउडर्स आते हैं जी, ये पाउडर हम इसमें डाल देंगे, इससे बहुत टेस्ट एनहांस हो जाता है जी। महिमा जी, इसको कितना डालना है? जैसे चार लोगों के लिए आप बना रहे हैं तो आधा पैकेट पर्याप्त है। अच्छा, इसमें थोड़े से काजू तोड़ के डाल देंगे। काजू का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। अब मेन कलर के लिए हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं जी, ताकि ज्यादा तीखी भी ना रहे और कलर भी आ जाए। बिल्कुल, और जिस समय मिर्च डालें उस समय थोड़ा सा बटर डाल दें तो कलर उसका मिर्च का और अच्छा आता है जी। ये
अब हम इस ग्रेवी में दूध डालेंगे, लेकिन दूध हम ऐसे ही नहीं डालेंगे, इसमें थोड़ा सा एक पिंच खाने का सोडा डालेगा जी। इससे आपका दूध इसमें ग्रेवी में जाने के बाद फटेगा नहीं। अच्छा। नहीं तो जनरली अगर हम टमाटर की कोई भी चीज़ बनाते हैं उसमें दूध हमेशा फट जाता है, तो हमें फिर हमेशा क्रीम लेना पड़ता है। तो अगर आप दूध डाल रहे हैं तो एक पिंच खाने का सोडा डालें, उससे आपका दूध बिल्कुल नहीं फटेगा। फिर आप चाहें तो ऊपर से बटर मसाला के लिए क्रीम डालें या ना डालें। लगभग एक ग्लास दूध डाल दिया हमने इसमें। और देखा जाए तो उसका कलर बहुत ही अच्छा है, कलर एकदम आप जैसे रेस्टोरेंट में खाते हैं पनीर बटर मसाला जी, ऑरेंजिश रेड कलर जो होता है जी जी, वो आ गया जी। और इसके कलर तो आया ही है, साथ में इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी आ रही है, वो बहुत ही अच्छी। अभी इसकी खुशबू और एनहेंस करेंगे हम कसूरी मेथी डाल के। अरे वाह, तब तो स्वाद भी बढ़ जाएगा और खुशबू भी अच्छी आएगी, सुंदरता भी हो जाएगी। और हमने पनीर में थोड़ा सा पहले से ही नमक लगा के रखा है जी, ताकि वो पनीर के अंदर अच्छे से हो जाए। अब हम इसमें अपने पनीर डाल रहे हैं। इसको हमने काफी बड़े टुकड़ों में काटा हुआ है। हाँ, वो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं जी। वैसे अगर हम चाहे तो अपने मन चाहे अपने मन चाहे बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें आपने थोड़ी सी क्रीम ऐड की। हाँ, आप जितनी क्वांटिटी में आप क्रीम ऐड करना चाहते हैं, अगर आपको काफी क्रीमी बनाना है तो थोड़ा ज्यादा ऐड कर दें, नहीं तो एक दो चम्मच काफी है जी। इसे गाढ़ा भी हो जाएगा। गाढ़ा भी हो जाएगा और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आप रेस्टोरेंट से ही लेके आए हैं। बिल्कुल। इसी ग्रेवी में हम अगर वेजिटेबल्स का बनाना चाहें तो हमारी वेजिटेबल मक्खन वाला बन जाएगा। अगर आप बेबी कॉर्न बनाना चाहें तो बेबी कॉर्न को पहले बॉईल करें, फिर उसको हल्का सा फ्राई करें और इसके बाद बेबी कॉर्न डाल दें, तो हमारा बेबी कॉर्न मक्खन वाला बन जाएगा। अब हम इसको धनिया पत्ती से सजाएंगे। तो अंशुल, हमारा ये पनीर बटर मसाला रेडी हो गया है जी। अब आप इसको टेस्ट करके बताइए कैसा बना है जी। टेस्ट तो मैं करूँगी, क्योंकि इसकी जो खुशबू है वो ही इतनी अच्छी आ रही है कि मैं बिल्कुल एक्साइटेड हो रही हूँ उसको टेस्ट करने के लिए। आप टेस्ट करके बताइए। तो हमारा पनीर बटर मसाला जो है वो बनकर तैयार हो गया है और इसकी खुशबू से ही मैं पहले बता सकती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी। तो चलिए अब मैं इसको बिना देर करे टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि कैसे बनी है। लग ही नहीं रहा है कि ये घर में बनी है। ओह, ऐसा लग रहा है कि किसी रेस्टोरेंट से हम लोग लेकर आए हैं और इसको फिर खा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि रेस्टोरेंट की ही पूरी बनी हुई ये सब्जी है। और इसमें जो आपने क्रीम डाला गया है वो अलग ही पता पड़ रहा है, और कसूरी मेथी का अलग जो अलग ही इसका जो टेस्ट है वो पता पड़ रहा है। क्यों, पनीर बटर मसाला में कसूरी मेथी का टेस्ट काफ़ी आता है। काफ़ी आता है, लेकिन इसमें अलग ही पता पड़ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसे अपने घर पर बनाकर ट्राई करेंगे ना, तो कोई नहीं कहेगा कि ये घर पर बनी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा जो है वो टेस्ट आएगा। तो महिमा जी, ये तो हुई हमारी पहली रेसिपी, दूसरी आप क्या कुछ बनाने वाली? बड़ी एक्साइटेड होती हूँ मैं इनके आके क्या कुछ नया मिलने वाला है, क्या कुछ हमें कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये आपके जो इनोवेशन होते हैं ना रेसिपीज में, वो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं खाने के लिए भी। और मैं तो यहाँ जब देखती रहती हूँ, सीखती रहती हूँ, तो वो भी एक अलग ही मज़ा आता है। बिल्कुल। तो दूसरी रेसिपी क्या होगी? ये पनीर बटर मसाला बन गया है जी। अब इसके साथ हम लच्छा पराठा, जो सेसमी सीड्स के लिए के साथ बनाएगा, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा पनीर बटर मसाला एंड सेसमी सीड्स के साथ जो हम लच्छा पराठा बनाएंगे। तो चलिए फिर बिना देर करें शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो लच्छा पराठा बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम गेहूं का आटा लेंगे जी, अच्छे से छाना हुआ जी। फिर इसमें फिर हम 2 चम्मच तेल मिलाएंगे। ये मोयन होगा क्या? मोयन होगा जी। ठीक है। इसमें फिर हम नमक डालेंगे जी, कसूरी मेथी
और एक चुटकी खाने का सोडा। इसमें भी हम सोडा क्यों यूज कर रहे हैं? इससे अच्छा सॉफ्टनेस आती है। अच्छा, बस अब हम इसको पानी डाल के हल्का सा सॉफ्ट गूंथेंगे। ये देखो अंशुल, हमने आटा लगा लिया है, अब हम इसको बेलेंगे। जी। इसको बेलने का तरीका भी कुछ अलग है क्या? हाँ, अभी जैसे ये एक बार एक लेयर बन गया, अब हम इसमें तेल लगाएंगे। जी, ठीक है। उसके बाद हम इसको ऐसे रोल कर देंगे। जी। रोल करने के बाद इसको ऐसे रोल करेंगे जी। फिर तभी ये लच्छेदार बनेगा। लच्छेदार बिल्कुल। फिर हम इसको बेलेंगे, ये चीज हम 4-5 बार रिपीट करेंगे। अच्छा, ताकि इसमें लेयर बाय लेयर बने। हाँ। फिर तेल लगाएंगे ऐसे हमको 4-5 बार, 4-5 बार इसको रिपीट करना। बिल्कुल जी। अब इसमें हम ये भुने हुई सेसमी सीड्स लगाएंगे। बिल्कुल। अब इसे हम सेक लेंगे। बिल्कुल। इसमें हम ऊपर से ये बटर लगा रहे हैं जी। मैंने प्लेन बटर नहीं लिया है जी, गार्लिक बटर लिया है, उससे टेस्ट और एनहेंस हो जाता है। और उसमें थोड़ा सा मैंने ना ऑयल मिला लिया है। वो क्यों? ताकि बटर जले नहीं जी, क्योंकि अगर हम प्लेन बटर डालेंगे तो वो पराठे के साथ में पूरा जल जाएगा जी। ये अंशुल हमारा लच्छा पराठा सेसमी सीड्स वाला तैयार हो गया है। तैयार हो गया है बिल्कुल जी। और इसको मैं टेस्ट आपको अभी नहीं करने दूंगी। क्यों? क्योंकि अभी इसके साथ के लिए हमारी एक और रेसिपी वेट कर रही है। ओहो महिमा जी, मैं तो इसको मन बना चुकी थी खाने के लिए, क्योंकि आपकी जो रेसिपीज होती है ना वो इतनी टेस्टी होती है ना कि जैसे ही मैं तो वेट करती हूँ कि कब ये जल्दी से बने और कब मैं इसे जल्दी से टेस्ट करूँ। लेकिन आप इसको, आप उस सब्जी के साथ जो मैं एक दूसरी पनीर की ग्रेवी बनाने वाली हूँ जो उसके साथ खाओगे तो आपको बहुत मजा आएगा। चलिए ठीक है, इनकी ये बात भी मान लेते हैं। महिमा जी, दूसरी रेसिपी आपकी क्या होगी? अंशुल, ये गार्लिक फ्लेवर में हम पनीर बना रहे हैं। बिल्कुल। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि हम इसको अल्फ्रेडो सॉस के रूप में बना रहे हैं। अच्छा, तो ये व्हाइट कलर का बनेगा। ओके, तो अल्फ्रेडो के साथ साथ में हम लोग पनीर बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें भी इन्होंने एक इटालियन टच दिया है अगर हम बात करें तो। बिल्कुल। क्योंकि हम जब भी इनके आते हैं ना तो कुछ ना कुछ नया तो हमें इसमें मिलता ही है, तो इसमें आज अल्फ्रेडो के साथ में हम पनीर बनाएंगे। बिल्कुल, ठीक बोला। चलिए तो इसको जल्दी से हम बनाने की शुरुआत करते हैं। तो महिमा जी, हम अल्फ्रेडो सॉस के साथ में जो पनीर बनाएंगे उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगेंगे? सबसे पहले हम पनीर छोटे छोटे क्यूब्स काट के रखेंगे, और प्याज और लहसुन। इसमें ना अदरक ना टमाटर ये सब कुछ भी नहीं डालना। अच्छा। क्योंकि हमारी जो ग्रेवी है एकदम वाइट कलर की बननी चाहिए। जी। और इसमें हमने वाइट पेपर लिया है ब्लैक पेपर की जगह। ओके। और ओरिगैनो और मिक्स हर्ब्स ली हैं। जी। और नमक, और अल्फ्रेडो सॉस बनाने के लिए हमने मैदा और दूध लिया है। जी। और इसको हम बटर के साथ बनाएंगे। जी। तो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स भी हमें पता पड़ गए हैं और जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं वो भी वर्बली हमें पता पड़ गई, लेकिन हम आपको बनाकर जरूर दिखाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। पहले हमने ये तेल डाला। जी। फिर बटर डालेंगे। जी। हमेशा मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बटर अगर हम पहले डाल देंगे तो वो जल जाएगा। जी। उसके बाद ढेर सारा गार्लिक। इसको हम किस कर डालेंगे? बिल्कुल। इसके बाद हम इसमें मैदा डालेंगे। ये देखिए अंशुल, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना? जी बिल्कुल, गार्लिक की इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये हमारा हम व्हाइट सॉस रेडी कर रहे हैं। जी। गार्लिक वाला। जी। ये हमारा मैदा पक गया है, अब हम इसमें दूध डालेंगे। जी। इसमें हमने सोडा नहीं डाला महिमा जी?
नहीं, इसमें कोई खट्टी चीज नहीं है ना जी, इसलिए हम इसमें तो इसमें खटने का डर नहीं है, खटने का कोई डर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये एकदम गाढ़ा सॉस बन जाएगा जी। ये देखिए हमारा ये तैयार हो गया। करीब आधा चम्मच हम व्हाइट पेपर डालेंगे और ओरिगेनो एंड मिक्स हर्ब्स मैंने दोनों एक साथ लिया है। अगर आपको ओरिगेनो ना मिले तो मिक्स हर्ब्स ले सकते हैं जी। ये देखिए हमारा व्हाइट सॉस रेडी हो गया। ये हमने अल्फ्रेडो सॉस डाला है जी, जो मार्केट में मिलता है जी। और अगर आपको ना मिले तो आप ये वाला सॉस भी उतना ही टेस्टी लगता है जी। मैंने जो पनीर बटर मसाला बताया था उसमें बड़े बड़े क्यूब्स डाले थे और इसमें मैंने देखिए इतने छोटे छोटे पनीर काटे हैं जी, ताकि ये इसमें जाके एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए जी। तो जो चीजी टेस्ट पनीर में आना है वो हमको अलग से दिखेगा जी। तो महिमा जी, हमारा जो सॉस है वो बनकर तैयार हो गया है। तैयार हो गया है। मैंने अंशुल इसको आपके लिए लच्छा पराठा बनाया है जी, आप उसके साथ इसको टेस्ट करिएगा। बिल्कुल। आप इस वेजिटेबल में अगर ये पनीर बटर मसाला जो बनाया हमने जी, उसको आप और वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं इसमें, और आप कॉर्न मटर वो सब भी ऐड कर सकते हैं जी। ये देखिए हमारी ये अल्फ्रेडो सॉस पनीर गार्लिक तैयार हो गया है जी। अब आप इसको टेस्ट करेंगे। मैं उसी का वेट कर रही हूँ कब से महिमा जी। बिल्कुल। तो अंशुल ये हमारा अल्फ्रेडो पनीर गार्लिक तैयार हो गया है जी, जिसको आप सेसमी लच्छा पराठा के साथ टेस्ट करेंगे। बिल्कुल, काफी वेट करा दिया है इन्होंने सच्ची। ये जो डिश है ना, इसको टेस्ट करने के लिए मैं इतनी देर से वेट कर रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मेरी सब्र का जो फल है वो मुझे मिलने वाला है। तो मैं इसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी और मैं इसे डायरेक्ट आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। मैं काफी देर से इसको वेट कर रही थी इसको खाने का। तो महिमा जी, ये जो आप इंडियन खाने में जो इटालियन टच लेके आई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आप बोल नहीं सकते इसको कि हमने इसको रेस्टोरेंट से नहीं मंगाया है, इसको हमने घर में बनाया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और वेट जो मैंने किया था वो मुझे सब्र का फल जो है वो मुझे मिला है, वो भी अल्फ्रेडो सॉस पनीर के साथ में और लच्छे पराठे के साथ। सो फ्रेंड्स, ये थी रेगुलर कुकिंग एक्सपर्ट महिमा जी हमारे साथ, जिन्होंने हमें तीन बेहतरीन डिश बनानी सिखाई। पहली पनीर बटर मसाला, दूसरी लच्छा पराठा और तीसरी गार्लिक पनीर विद अल्फ्रेडो सॉस। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आई होगी और आप इसे अपने किचन में जरूर आजमाना चाहेंगे। इसी के साथ ही एक बात और बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी कोई फेवरेट डिश हम लोगों तक पहुंचाए, तो इसमें आईबीसी की टीम आपकी मदद करेगी। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, फटाफट से हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं अपनी टीम को लेकर आपके घर आऊंगी और आपकी फेवरेट डिश को लोगों तक पहुंचाऊंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखें वीक एंड, बाय बाय एंड टेक केयर। पनीर बटर मसाला बनाने के लिए आपको चाहिए दूध, तेल, पनीर, गार्लिक बटर, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, हरा धनिया, कसूरी मेथी, हरी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, खाने का सोडा और काजू। प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन को हल्का बॉईल करें। उबली हुई सामग्री की प्यूरी बना लें। पैन में मिश्रण डालकर 15 से 20 मिनट तक भूनें। एक चम्मच तेल और बटर डालें। पनीर बटर मसाला का पाउडर डालकर भूनें। बारीक कटे काजू और एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालें। दूध में एक चुटकी खाने का सोडा डालकर मिश्रण में डालें। कसूरी मेथी और पनीर के टुकड़े डालें। नमक और क्रीम डालें। बाउल में निकालकर सर्व करें। सेसमी लच्छा पराठा बनाने के लिए आपको चाहिए गेहूं का आटा, भुना हुआ तिल, नमक, गार्लिक बटर, तेल, खाने का सोडा, कसूरी मेथी। गेहूं के आटे में 2 चम्मच तेल डालें, कसूरी मेथी, चुटकी भर खाने का सोडा डालकर आटा गूंथ लें। रोटियां बेलकर तेल लगाएं, रोल कर गोल करें और दोबारा बेलें। ये प्रोसेस 4 से 5 बार दोहराएं।
तिल डालकर सेक लें, प्लेट में निकालकर सर्व करें। पनीर इन अल्फ्रेडो सॉस बनाने के लिए आपको चाहिए दूध, पनीर, प्याज, लहसुन, अल्फ्रेडो सॉस, गार्लिक बटर, नमक, व्हाइट पेपर, मिक्स हर्ब्स, ओरिगेनो और मैदा। तेल और बटर को गर्म कर लें, मैदा डालकर भूनें, एक कप दूध और व्हाइट पेपर डालें, ओरिगेनो और मिक्स हर्ब डालें, दो चम्मच अल्फ्रेडो सॉस डालें, पनीर डालकर 15 से 20 मिनट तक पकाएं, बाउल में निकालकर गर्मा गर्म सर्व करें।